अस्सलाम वालेकुम, हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस वक्त लॉर्ड और मैं हूं बादशाह मस्जिद देखने के लिए आया हूं लाल किला और बादशाह मस्जिद के। मैं आपको कुछ बेहतरीन किस्म की डिटेल बताता हूं और आपको इनके बहुत अच्छे व्यू भी दिखाता हूं। ठीक है, चलो आओ चलते हैं। यहाँ पर मैं 1.5-2 महीने पहले आया था और वीडियो में आज एडिट कर रहा हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ लाहौर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था और मैं कराची से यहाँ पर आया था। और उसके बाद मैंने कहा कि चलो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी घुड़सवारी करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके के बादशाही महल में जो है लाल किला में ऐसे घोड़ों की ये बनी हुई है बालकनी टाइप का कि आप इसमें बैठें और आप लाहौर में घूम सकते हैं ये लाल किला के अंदर अंदर। और इनका रेंट भी बहुत मुख्तसर, बहुत रीज़नेबल है। आप बैठें, उसके बाद आप इसमें बैठने के बाद आप थोड़ा सा घूमें, अब आपको लगेगा कि आप कुछ बादशाह से कम थोड़ी ना हैं फिर। और उसके बाद जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको ये इन लोगों की लिमिट जो है बनी हुई है बॉर्डर्स वगैरह के, इन्होंने कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो ये लाल किला से बादशाह मस्जिद तक आपको लेकर जाएंगे और इसके जस्ट वो 800 रुपीज़ चार्ज करेंगे। और उसके बाद मैं इसमें बैठ चुका था और मैंने इसमें बहुत मज़ा किया। उसके बाद मैंने लाल किला जो है ना फोर्ट, लाहौर फोर्ट के अंदर जाना था। और अंदर जाने के बाद अब यहाँ से मैंने टिकट ली, अपनी पानी की बोतल रिफ़िल करवाई और फिर मैं चल पड़ा अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और उसके बाद मैंने किसी भाई को अपना मोबाइल देके अपनी एक अच्छी सी वीडियो बनवाई। अब आप देख लें ये कितना पुराना है। अभी मैं जब पहले आया था तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, अब थोड़ी सी मुरम्मत होने की वजह से इसकी खूबसूरती थोड़ी सी कम हो गई है। और यहाँ पर टूरिज़म इंफॉर्मेशन भी है, आप यहाँ से वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप इनकी ऊँची ऊँची दीवारें। लाल किला बहुत पुराना है, आई थिंक 1671 में जो था ये बना था। और ये इन लोगों का ऊपर का है, पहले वक्तों में जो बना होता था ये दूरबीन लगा के देखा करते थे दूर से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये इन लोगों के मैन इंटरेस्ट में जो बिल्कुल मैन ना हो, तो ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं और ये एंटिक सी सीढ़ी हैं, ऊपर इन लोगों का एक दरबार बना हुआ है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आया, मुझे अपने गाँव की हवेली याद आ गई थी, वो भी इन्हीं जैसी बनी होती थी ईंटों की। उसके बाद यहाँ पर कुछ एंटिक्स बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर लो मेरी फेवरेट जगह, जहाँ पर खाड़ी बनेंदा और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड शूट्स होते थे, इन स्टेयर्स के ऊपर मॉडल्स वगैरह वॉक करती थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी किसी मॉडल से कम नहीं, आ जाओ फिर मैदान में। मैंने किसी भाई को मोबाइल लेके अपनी पिक्चर क्लिक करवाई, उसके बाद मेरा सफ़र आगे को चल पड़ा। उसके बाद मैं अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करने लगा। मैंने कहा कि चलो आया हूँ, प्रॉपरली डिटेल से घूम कर जाता हूँ। यहाँ पर ऐसा घूमा कि मेरी टांग में चोट लग गई और फिर चोट लगने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जगहों पर ये चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं। और मेरी इल्तिजा है, आई रिक्वेस्ट कि अल्लाह करे कि ये जल्दी से काफ़ी बेहतर हो जाए, चीज़ें जो यहाँ पर टूटी हुई हैं ये ना हो कि और ही टूट जाए, और हमारे पास इतनी प्यारी हिस्टोरिकल प्लेस है ये भी मिस ना हो जाए। अब मैं चल पड़ा ऊपर, मुझे सामने से बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है। राइट नाउ तो मैं हूँ लाल किला में। यार ऐसी एंटिक जगह पे आके बहुत सुकून मिलता है और दिल को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारे पाकिस्तान में भी इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए। और सलाम उन लोगों को जिन्होंने अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है, और जो लोग यहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं उन लोगों ने इसका भी ख्याल रखा हुआ है। अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे और लंबी ज़िंदगी दे। और बाकी ये प्रॉपर ऑल ऑफ द व्यू है बादशाह मस्जिद का, और ये बहुत मजबूत है अभी भी। और पहले वक्तों के कारीगर यार उन्हें भी सलाम है कि वो कैसे होते थे, कितनी मेहनत से उन्होंने यह मैप बनाया होगा और किस तरीके से उन्होंने नक्शा बना के इसे खड़ा किया होगा। आजकल के इंजीनियर ऐसा कुछ कर नहीं सकते। बाकी ये भाई थे, ये फैसल भाई हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो बनाने में और मुझे इस ऑल ओवर द एरिया घुमाने में हेल्प की। और उसके बाद थैंक यू फैसल भाई, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो। बाकी सब अपना अपना ख्याल रखना, हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग जो दूँगा वो दूँगा बादशाह मस्जिद की व्लॉग डालूँगा। बाकी आप लोग को मेरी व्लॉग अच्छी लगी हो तो शेयर। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो अब ये वाला
पूरा मैप जो है ये ऑल ओवर था। इसमें एक जंगल भी वाकिया था, जो वाका है था उन्हें इन लोगों ने काट दिया, ख़त्म कर दिया, और वो बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट साइड पर है। मैं वहाँ पर गया था लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मैं अपने दूसरे मोबाइल में ब्लॉग बना के इस साइड पर आया हूँ, तो फिर मैं आपको बताऊँ कि वो बहुत हिस्टोरिकल थी। और उसके बाद